Rakshit. Amazing poetry. I mean, amazing. You nailed it. Boss, एक beer और कर देना. Thanks, Amin. Thank you for such a sweet. Rakshit, hey, it's me, Kartikeya. Remember Quack Quack app पे मिले थे? Your college junior. Now it's getting a bit awkward. You invited me to meet. Kritika. No, it's Kartikeya. Sorry, Kritagya. Hi. Kritagya नहीं Kartikeya. बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है यार. आई विल कॉल यू के के. ओके सो शैल वी या बॉस. एक बिरयानी, एक पीना कोलाडा, दैट्स इट. ओ तुम भी ऑर्डर कर सकती हो. वैसे नहीं, अब वैसे आई रियलाइज मुझे भूख लगी भी नहीं है, तो आई एम गुड विद वाटर. वाटर इज गुड, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड. इजंट इट वियर्ड, हमने कॉलेज में कभी बात भी नहीं की और आज ऐसे सीधा डेट पे मिल रहे हैं. तू वेट क्या है? डेटिंग तो कैजुअल है यार. मुझे बाहर खाना खाने जाना होता है ना, मैं डेट पे चला जाता हूँ. बिल स्प्लिट हो जाता है, कंपनी मिल जाती है. सरली मतलब आप भी ये सब कैजुअल कैजुअल डेटिंग, कभी ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में नहीं? हाँ यार, पर बहुत टॉक्सिक हो गया था. वही आई लव यू, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, आई लव यू मोर. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, प्लस में कुछ फ्रेश भी नहीं था. छोड़ दिया. लाइफ में ऐसे रिफ्रेश का बटन होना चाहिए ना, कि ऐसे कभी लूप में फंस जाओ तो ऐसे दबा दो, या रीसेट तो होना ही चाहिए. रीसेट क्यों? ताकि लाइफ में फिर से टॉक्सिसिटी आ जाए. तो रक्षित जरूरी भी तो नहीं कि हर इंसान अपने साथ टॉक्सिसिटी लेकर ही आए. टॉक्सिसिटी नहीं लेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, उससे बच जाओगे तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे. और ये सब भी अगर सही रहा तो यार इनसिक्योरिटी से तो कौन ही बच पाएगा. डोंट यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अच्छा पास कर देना. Got it. अरे मैं खुद ले लूँगा, बैठो. Rakshit, I don't mean to disrespect you. It's just that we are poles apart. I was looking for a connection, but it's missing. I'll just take a leave. But it was really nice meeting you. आज आपकी poetry सच में बहुत अच्छी थी. Just keep up the good work. All the best. I'm so sorry. Thanks, K. अबे लड़की सीट पे चिपक के बैठी रहेगी और खुद बोलेगी कि I want to spend more time with you. तू बोर हो जाएगा, पर वो बोर नहीं होगी. नमन की माँ की. कार्तिकिया. What happened यार? सब कुछ इतना क्यूट था, इतनी परफेक्ट डेट चल रही थी. कम ऑन के रक्षित यार, हम लोगों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हैं. एंड इट्स जस्ट दैट मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स भी किया, पर आप ऑलरेडी इतने इमोशनली डिटैच्ड और डिसइंटरेस्टेड थे. एनीवेज लीव. करते कि हम रियली सॉरी यार. यार इमोशनली डिटैच नहीं हूँ मैं, फीलिंग्स मेरे भी अंदर हैं, बस एक्सप्रेस करने से डर रहा था. पर क्यों यार? फियर ऑफ रिजेक्शन यार. अब तक मेरी लाइफ में जो भी आया ना, मेरे को छोड़ के चला गया. तो क्लियरली मैं जैसा हूँ वैसा तो किसको नहीं चाहिए ना. और यार फैक्ट पता क्या है? फैक्ट इज यू आर माई क्रश सिंस कॉलेज डेज. कार्तिकिया मनचंदानी, डी एल 9C AB 54255, नवीनता हॉस्टल, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 322. मुझे सब याद है यार, पर बस कभी बताया नहीं मैंने. तो रक्षा के अंदर क्या था यार? वो तो बस सतलौंडा प्ले कर रहा था. मैं एक्चुअली बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ रिजेक्शन से. अरे रक्षित, पर रिजेक्शन से तो सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है. मेरा डर थोड़ा ज्यादा है यार. आई नो, पर अब मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा. दिस इज मी, ये जो तुम जिससे बात कर रही हो. और तुमने बोला था ना रीसेट बटन होना चाहिए, डेट को रीसेट कर लेते हैं ना. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts. अरे मान जाओ ना यार, सच्ची में प्रिटेंड नहीं कर रहा. कुछ खा ले, बहुत भूख लगी है यार. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. पता है तुम्हारे घर में पानी पीना पड़ेगा. मेरी पहली डेट होगी जिसमें पानी पीकर.